हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्पेस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस के सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पल्सार्स। ये सुपर फास्ट स्पिनिंग स्टार्स हैं जो लाइट के पावरफुल बीम्स शूट करते हैं, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह। इमेजिन करो, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स सिर्फ कुछ माइल्स वाइड हमारे सन से भी ज्यादा मैसिव हैं और एक सेकेंड में कई सौ बार घूमते हैं। ये तो बिल्कुल यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम डिस्को बॉल्स की तरह हैं, जो अपनी लाइट को अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस तक फेंक रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पल्सर्स की ये अमेजिंग दुनिया। तो ये पल्सर्स क्या चीज है? बेसिकली ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है जो अपने आप में बहुत ही रेयर होता है। जब एक बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड में पहुंचता है तो वो एक धमाके के साथ खत्म होता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। As we have learned many previous videos, इस एक्सप्लोजन के बाद जो बचता है, वो होता है एक बहुत ही डेंसे कोर, इतना डेंसे कि एक पूरा स्टार एक सिटी के साइज में कंप्रेस हो जाता है। इसे ही हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अब इमेजिन करो, ये न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज घूम रहा है, बिल्कुल एक लत्तू की तरह, जिससे हम पल्सर कहते हैं। ये इतनी तेजी से घूमते हैं क्योंकि जब स्टार कोलैप्स होता है तो उसकी रोटेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये ऐसे है जैसे एक फिगर स्केटर अपने हाथ अंदर खींच कर स्पिन करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, पल्सर्स में बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल। ये मैग्नेटिक फील्ड्स न्यूट्रॉन स्टार के पोलेज से रेडिएशन के बीम्स को चैनल करते हैं, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह। जैसे जैसे पल्सार घूमता है, ये बीम्स स्पेस में स्वीप करते हैं। अगर अर्थ मैंने बीम्स के पाथ मैंने आता है तो हम रेडिएशन का एक पल्स देखते हैं, और इसीलिए हम इन्हें पल्सर्स कहते हैं। अब बात करेंगे स्पीड की, तो अपने आप को संभल लो। पल्सर्स यूनिवर्स की सबसे तेजी से घूमने वाली चीजों में से एक है। हम बात कर रहे हैं एक सेकेंड में कई सौ रोटेशन की। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टार जितनी बड़ी चीज इतनी तेजी से घूम सकती है? अगर एक पल्सर बास्केटबॉल के साइज का होता तो उसकी सरफेस स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती। ये तो सोच के बाहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि पल्सर्स कितनी तेजी से घूमते हैं। याद है मैंने बताया था कि ये रेडिएशन के पल्सेस एमिट करते हैं। उन पल्सेस के बीच के टाइम को मेजर करके हम उनकी रोटेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे हम एक कॉस्मिक क्लॉक की टिकिंग सुन रहे हैं। अब तक का सबसे फास्ट स्पिनिंग पल्सर जो हमने देखा है, वो एक सेकंड में 700 से ज्यादा बार घूमता है, मतलब बिल्कुल ब्लेंडर ओवरड्राइव पे। तो अगली बार जब आप एक लाइट हाउस देखें तो एक पल्सर के बारे में सोचना जो स्पेस में बेशुमार तेजी से घूम रहा है और उसकी लाइट की बीम पूरे कॉस्मोस में स्वीप कर रही है। हमने बात की पल्सार्स क्या होते हैं और ये कितनी तेजी से घूमते हैं, लेकिन ये कॉस्मिक वंडर्स बनते कैसे हैं? ये सब शुरू होता है एक स्टार की डेथ से, लेकिन कोई भी स्टार नहीं, एक ऐसा स्टार जो हमारे सन से काफी ज्यादा मैसिव हो। स्टार का कोर अपने ही वेट से कोलैप्स हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वो कोर कंप्रेस होकर एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है, सिर्फ कुछ माइल्स वाइड, और इसी तरह बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। जब हम पल्सर्स की लाइट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस लाइट की बात नहीं कर रहे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। पल्सर्स कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हर तरफ लाइट फेंक रहे होते हैं, रेडियो वेव्स से लेकर गामा रेज तक। ऐसे समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बड़ा सा कीबोर्ड है। लो नोट्स हैं रेडियो वेव्स, फिर आते हैं माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, और फिर आते हैं हाई नोट्स, गामा रेज। पल्सार्स इस प्योर कीबोर्ड पे बजते हैं। एक पल्सार कितने टाइप की रेडिएशन एमिट करता है, वो डिपेंड करता है उसकी एज पे, स्पिन रेट पे, और उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। लेकिन एक बात पक्की है, ये रेडिएशन बीम्स बहुत पावरफुल होते हैं। इमेजिन करो, अगर हम पल्सार की एनर्जी को हार्नेस कर सकें, वो तो ऐसे होगा जैसे हमारे पास बॉटल में बर्न स्टार हो। कुछ साइंटिस्ट्स ने तो ये भी सोचा है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए
पल्सार्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। सोचो कितना पावरफुल एनर्जी सोर्स होगा यह। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, पल्सर्स कूल हैं, लेकिन इनका क्या फायदा? तो एक्सट्रीम फिजिक्स को स्टडी करने के लिए एक लब होने के अलावा पल्सर्स के कुछ सरप्राइजिंग यूजेस भी हैं। याद है मैंने बताया था कि पल्सर्स बहुत ही रेगुलरिटी से स्पिन करते हैं, वो तो बिल्कुल एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह है, और वो भी बहुत ही प्रिसाइज क्लॉक। सच में कुछ पल्सर्स तो अर्थ पे मौजूद एटॉमिक क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये इनक्रेडिबल प्रिसिजन पल्सर्स को काफी यूजफुल बनाता है। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनोमर्स पल्सर्स का यूज इंटरस्टेलर मीडियम को स्टडी करने के लिए करते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम वो गैस और डस्ट होता है जो स्टार्स के बीच में होता है। ये देखकर कि एक पल्सार के पल्सेस उस मीडियम से ट्रेवल करते हुए कैसे अफेक्ट होते हैं, हम उसकी डेंसिटी और कॉम्पोजिशन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, पल्सर्स का यूज नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल अर्थ पे जीपीएस सैटेलाइट्स की तरह पल्सर्स भी प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। असल में नासा एक ऐसा पल्सर नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसका यूज स्पेसक्राफ्ट को डिस्टेंट प्लैनेट्स और उससे भी आगे भेजे जाने के लिए किया जा सकेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि पल्सार्स कितने फास्ट स्पिनर्स होते हैं, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्योंकि अब हम जाने वाले हैं मिलीसेकंड पल्सार्स की दुनिया में। ये तो कॉस्मोस के असली स्पीड डीमंस हैं। याद है मैंने बताया था कि कुछ पल्सार्स एक सेकंड में कई सौ बार घूमते हैं, तो मिलीसेकंड पल्सार्स तो एक अलग ही लेवल पे हैं। ये पल्सार्स एक सेकंड में हजारों बार घूमते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हजारों बार। सबसे फास्ट नोन मिलीसेकंड पल्सर एक सेकंड में 716 बार घूमता है। इमेजिन करो एक ब्लेंडर इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो एक सेकंड के हजारवें हिस्से से भी कम टाइम में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ये होता है एक मिलीसेकंड पल्सर। ये तो बिल्कुल कॉस्मिक सुपरचार्ज्ड किचन अप्लायंसेस की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पल्सर्स इतनी स्पीड कैसे पकड़ते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अपने साथी स्टार से मैटर खींचते हैं जिससे इनकी स्पीड बढ़ती है। मिलीसेकंड पल्सर्स सिर्फ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये एस्ट्रोनोमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल टूल्स भी हैं, क्योंकि इनके पल्सेस इतने रेगुलर होते हैं कि ये एक्सट्रीमली प्रिसाइज क्लॉक्स की तरह काम कर सकते हैं। इतने प्रिसाइज कि अर्थ पे मौजूद एटॉमिक क्लॉक्स भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। पल्सार्स अपने आप में ही बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, लेकिन मजा तब और बढ़ जाता है जब दो पल्सार्स एक दूसरे के साथ कॉस्मिक डांस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइनरी पल्सार्स की, ऐसे सिस्टम्स जहां दो पल्सार्स एक दूसरे का ग्रेविटेशनल पुल में फंसकर एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं। इमेजिन करो दो इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स, हर एक का मास हमारे सूरज से भी ज्यादा, लेकिन साइज सिर्फ कुछ माइल्स, एक दूसरे के आसपास बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ये ग्रेविटी और एनर्जी का कॉस्मिक बैलेट होता है और एस्ट्रोनोमर्स के लिए इंफॉर्मेशन का खजाना। बाइनरी पल्सार्स को सबसे पहले 1974 में रसल हल्स और जोसेफ टेलर ने खोजा था, जिन्हें बाद में इस खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। इस खोज ने ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस के लिए पहला इनडायरेक्ट एविडेंस दिया। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स होते हैं, जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में की थी। बाइनरी पल्सार्स की खोज ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया है और जनरल रिलेटिविटी के कुछ सबसे कठिन टेस्ट्स उपलब्ध कराए हैं। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, पल्सार्स की स्टडी एस्ट्रोनोमर्स को आकर्षित करती जा रही है और नई नई खोजों को जन्म दे रही है। नए टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के आने से पल्सार रिसर्च का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल है। रिसर्च का एक एक्साइटिंग एरिया है नए और अनयूजुअल प्रकार के पल्सार्स की खोज। हालांकि हम पहले ही मिलीसेकंड पल्सार्स और बाइनरी पल्सार्स खोज चुके हैं, एस्ट्रोनोमर्स का मानना है कि वहां और भी अजीब ऑब्जेक्ट्स हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी तेज गति से लेकर रेडिएशन के अपने पावरफुल बीम्स तक पल्सार्स इस बात का प्रमाण है कि यूनिवर्स में हमें हैरान और चकित करने की क्षमता है। ये कॉस्मिक लाइट हाउसेस, जिन्हें कभी एलियन सिग्नल समझ लिया जाता था,
अब कॉस्मोस के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे पास इनवैल्यूएबल टूल्स बन गए हैं। हमने मैसिव स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ्स से लेकर इन इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन तक का सफर तय किया है, जो माइंड बॉगलिंग स्पीड्स पर घूमते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के पल्सर्स के बारे में जाना है, स्टैंडर्ड वैरायटी से लेकर सुपर फास्ट मिलीसेकंड पल्सर्स और ग्रेविटेशनली बाउंड बाइनरी पल्सर्स तक। और जैसे जैसे हम और भी सोफिस्टिकेशन के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, एक बात तो तय है, पल्सर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए कॉस्मोस की हमारी समझ को रोशन करते रहेंगे। तो अपने इमेजिनेशंस को जगाए रखें मेरे दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उन लोगों के लिए नए वंडर्स प्रकट करने के लिए तैयार है जो एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं।